धन हनुमतये नमः। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का ध्यान करने और उनकी साधना करने वालों को शनि देव कभी परेशान नहीं कर पाते। चलिए आपको एक कथा सुनाते हैं कि कैसे हनुमान जी की साधना करने वाला व्यक्ति सुखी और निश्चिंत रहता है, उसे जीवन में कभी भी शनि देव का भय नहीं रहता। एक बार की बात है कि प्रातःकाल का समय था, हनुमान जी श्री राम के ध्यान में डूबे पड़े थे। समुद्र के किनारे उन्हें लहरों का शोर तक सुनाई नहीं दे रहा था, तन मन में तनिक भी होश न था। और वहीं उनसे कुछ ही दूरी पर सूर्यपुत्र शनि भी विचरण कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे। बार बार वो सोचते किसको अपना शिकार बनाया जाए, किंतु उनकी जहां तक भी दृष्टि जाती उन्हें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता, न जीव न जंतु। अब शनि देव की नजर के बारे में तो आप जानते ही हैं, ऐसी वक्र दृष्टि कि गीली बालों भी सूख जाती थी, जिससे शनि का अहम और बढ़ जाता था। अचानक कुछ दूर चलते ही शनि की दृष्टि आंखें बंद किए बैठे महाबली हनुमान जी पर पड़ी। कुटिलता से मुस्कुराते शनिदेव हनुमान जी की ओर चल दिए, दूर से ही उन्हें पुकारा, अरे ओ बानर, शीघ्रता से आंखें खोल, देख मैं तेरा सुख शांति को नष्ट करने आया हूं, मैं सूर्य पुत्र हूं, सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनि ने सोचा कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी सिर से पैर तक कांपते हुए उनके चरणों में लौटने लगेंगे, प्राणों की भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली तो सामने क्रोध से काले पड़े शनि को देखा, फिर चेहरे पर अचरज का भाव लाते हुए पूछा, महाराज आप कौन हैं? इस तपती बालू पर क्या कर रहे हैं? कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हनुमान जी की बात सुनकर शनि गुस्से से लाल पीला होकर बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूं, आज मैं तेरी राशि पर आ रहा हूं, साहस हो तो मुझे रोक। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, आपकी नाक पर गुस्सा बहुत जल्द आता है महाराज, मैं बूढ़ा बानर, आप युवा सूर्यपुत्र, क्या खाकर आपको रोकूंगा? प्रार्थना ही कर सकता हूं कि व्यर्थ का क्रोध छोड़िए, कहीं अन्यत्र जाकर अपना पराक्रम दिखाइए, मुझे आराम से श्री राम की आराधना करने दीजिए। शनि ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बांह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी बांह किसी ने दहकते अंगारे पर रख दी हो। एक झटके से उन्होंने अपनी बांह शनि की पकड़ से छुड़ा ली। शनि ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बांह पकड़नी चाहिए, तब जाकर हनुमान जी का धैर्य चूक गया। बस हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी, पूंछ बढ़ाते जाते और उसमें शनि को लपेटते जाते। शक्ति के मद में शनि को शुरू शुरू में इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब एहसास हुआ तब तब हनुमान जी उन्हें पूरी तरह अपनी पूंछ में कस चुके थे। शनि पूरी शक्ति लगाकर पूंछ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शनि की अकड़ अभी तक नहीं गई थी, चीख कर बोले, तुम तो क्या श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, देखते जाओ मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता हूं। श्री राम के बारे में कोई कठोर बोले और हनुमान जी से बर्दाश्त हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने शनिदेव को उछल उछल कर समुद्र तट पर तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। उनकी लंबी पूंछ कहीं शिलाओं से टकराती तो कहीं बालू से घिसटती, तो कहीं नुकीली शाखाओं वाले वृक्षों और कटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। पूंछ में लिपटे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। उनके वस्त्र फट गए, सारे शरीर पर खरोचे लग गई। हनुमान जी थे कि समुद्र के चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे, न पल भर कहीं रुके न पल भर छटपटाते शनि को देखा। लहू लुहान शनि ने कातर स्वर में सूर्य को पुकारा,
मन ही मन अनेक देवी देवताओं को याद किया, लेकिन कहीं से भी उनकी सहायता ना मिली। आखिर में कातर स्वर से शनि ने हनुमान जी को ही पुकारा, दया करो वानर राज, मुझे अपनी उदंडता का फल मिल गया। मेरे प्राण मत लीजिए, मैं वचन देता हूं भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। हनुमान जी ने शनि को एक और पटकनी दी, बोले, अकेली मेरी छाया से ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहना होगा। झटपट हां कहो या एक पटकनी और दूं? शनिदेव ने पीड़ा से छटपटाते हुए बोला, आपके भक्त क्या, जिसके मुंह से आपका नाम भी निकलेगा उसके पास भी नहीं फटकूंगा। शनि की बात सुनकर हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया, उन्होंने शनि को मुक्त किया। जय बजरंगबली। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।